और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दे रखा है। ऋषभ जिनकी गवाही है, इस भाई को अचानक से पेट में दर्द हुआ और जब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पथरी है और वो पथरी इनको पेशाब के नाड़ी में फंस गई थी। उस पथरी की वजह से इनके गुर्दे में भी सूजन आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। फिर ये भाई उसी दिन चमत्कार चर्च में गए, वह प्रॉफिट सुमनदीप जी से प्रार्थना करवाई और उसके दो दिन बाद वो पथरी गायब हो गई है और अब वो भाई बिल्कुल ठीक है, वह अब उनके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। दो दिन से दर्द से तड़फ रहा था मैं और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला कि ऑपरेशन होगा, नहीं तो आपकी गुर्दे की सोजस बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत आएगी। मैं आए गुरु नानक बस्ती में जो चर्च है वहाँ पे आया और सुमन भैया थे, मैं प्रार्थना कराई और दो दिन बाद पथरी गायब हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, उनके बेटे का धन्यवाद करता हूँ। तो ये रिपोर्ट वो है जो आपने रिपोर्ट करवाई थी, इसमें पथरी बताई थी और उसके बाद आप प्रॉफिट सुमनदीप जी से प्रार्थना करवाई और वो पथरी गायब होगी। वो जब आपको दिक्कत होती थी बाथरूम की नाड़ी में वो पथरी फंस जाती थी और अब वो दिक्कत नहीं है, वो परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, 6 दिन हो गए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। देखो वो कितना महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। इनको पथरी थी और ये पथरी के दर्द से बहुत ही परेशान हो जाते थे, जिसके लिए ना चल फिरते सकते थे और ना ही बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट सुमनदीप जी से प्रार्थना करवाई और उसके बाद वो पथरी निकल गई है। ये बिल्कुल भाई ठीक है, उस बीमारी से आजाद है। हालेलुया। इसमें उसने यहाँ डॉक्टर ने बताया हुआ है कि यहाँ पर वो जो है पथरी फंसी हुई है, यह पथरी फंसी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दे रखा है, लेकिन कब प्रार्थना करी आपने? आज 8 दिन हो गए इस बात को और प्रार्थना करवाई थी, जब आज 6 दिन हो गए बिल्कुल ठीक हूँ मैं, 2 दिन बाद गायब होगी पथरी। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर के ऑपरेशन करना पड़ेगा, गुर्दे की सूजन बड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में आई हुई है, मैं देखा। हाँ, तो जैसे ही प्रार्थना कराई और गुर्दे का दर्द भी आराम आ गया और वैसे भी ठीक हो गया मैं बिल्कुल, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी बड़ी गुवाही के लिए। और कुछ दिन पहले और भी आपके घर में एक चमत्कार हुआ था, इनके मेरी पत्नी की रसोली थी इतनी बड़ी, इनकी पत्नी के रसोली थी काफी बड़ी रसोली थी और पास्टर जी से प्रार्थना कराई और उसके 20 दिन बाद वो रसोली गिर गई अपने आप में, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो प्रार्थना के 20वें दिन वो अपने आप रसोली बाहर निकल गई थी, मतलब इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कह रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये लगभग 1 महीना हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया।